नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय बोर्ड CBSE का रिजल्ट आने के बाद बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गंजे बासुदा के कक्षी 12वीं के छात्र विकास रघुवंशी ने 97% अंक प्राप्त करके विदिशा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपने माता पिता सहित विद्यालय का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गंजे बासुदा की ही 10वीं की छात्रा स्नेहा राजपूत ने जिले में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दोनों छात्र छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए अपने गुरुजन और माता पिता को इस कामयाबी का श्रेय दिया है। ग्रामीण प्रवेश से निकलकर शहर में आने के बाद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में दोनों ही छात्रों की किस्मत बदल दी है। इसके साथ ही इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के अन्य छात्रों ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रामकृष्ण रघुवंशी ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं प्रदान की। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं विकास रघुवंशी, मैंने ये इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से अपनी 12th कंप्लीट की, जिसमें मेरी 95.8% आई है कॉमर्स स्ट्रीम से। और सर मैं इसका श्रेय अपने सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगा, फिर उसके बाद जो IPS के पूरे टीचर्स हैं वो साल भर बहुत सपोर्टिव रहे मेरे साथ और उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से गाइडेंस दिया, जिसका यह है कि अभी अच्छा रिजल्ट आया है। और सर जो भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप ये नहीं कि आप 8-10 घंटे ही पढ़ाई कीजिए आप डेली, आप जितनी ही पढ़ाई करते हैं जैसे कि 3-4 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वही पढ़ाई आप साल भर जारी रखिए और रिजल्ट फिर अच्छा ही आएगा। 10th इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से मेरी कक्षा 10th में 95.2% आई है और इसका श्रेय मैं भगवान, अपने पेरेंट्स और टीचर्स IPS के, जो कि बहुत ही सपोर्टिव हैं, उन्होंने पर्सनली गाइड भी किया मेरे को, कोई भी डाउट हुआ कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया, पर्सनली सपोर्ट किया। और रही बात प्रिपरेशन की, तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है, 4-5 आखिरी में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इतने से ही काम हो जाएगा और क्लास 10th ईजी ही है। तो आप तो सर मैंने मैथ स्ट्रीम लेने की सोचा है और फिर बस उसी में JEE या फिर बस मैथ से रिलेटेड कोई